नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। दोपहर के दो बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और पहली बार सभी सीटों पर लड़ रही आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो के जरिए माहौल को गर्मा दिया है। भाजपा के लिए पीएम मोदी कई रैलियां कर चुके हैं तो आपसे संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। हालांकि राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी और 2017 के चुनाव की भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खासकर गांधी परिवार ने गुजरात से दूरी बना रखी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अभी तक अपने चुनावी अभियान का आगाज नहीं किया है। कुछ लोग इस बात से हैरान है तो कुछ राजनीतिक जानकार इसमें खास रणनीति के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री पद के घोषित अघोषित उम्मीदवार राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा पर निकले राहुल का कड़वा गुजरात नहीं पहुंचेगा। वह यात्रा से ब्रेक लेकर गुजरात में प्रचार करेंगे या नहीं, इस पर अभी पार्टी की ओर से तस्वीर साफ नहीं की गई है। लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस बार पिछले चुनाव की तरह सक्रिय नहीं रहेंगे। मतदान के नजदीक होने पर उनकी रैलियां कराने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई कार्यक्रम तय नहीं है। पार्टी सूत्रों के मानो तो गांधी परिवार के गुजरात से दूर रहने के पीछे एक खास रणनीति है। मुख्य विपक्षी पार्टी की कोशिश है कि इस चुनाव को मोदी बनाओ कांग्रेस या फिर यह कहेंगे कि मोदी बनाम गांधी परिवार होने से रोका जाए। गांधी परिवार की ओर से किए गए कई हमलों को पूर्व के चुनावों में मोदी अपने हक में भुना चुके हैं। मौत को सौदागर, विकास पागल हो गया है और चौकीदार चोर है। जैसे हमलों को कांग्रेस को पहले काफी नुकसान हो चुका है। वंशवाद और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगते हुए सीएम मोदी गांधी परिवार के प्रति हमलावर रहे हैं और उन्हें गुजराती अस्मिता के खिलाफ बताते रहे हैं। राजनीतिक जानकारों को माने तो पीएम मोदी गांधी परिवार के सहारे चुनाव को राष्ट्रीय रूप देने में कामयाब होते जाते हैं और ऐसे में स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। गांधी परिवार के सदस्य भले ही गुजरात में अभी रैलियों नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर रणनीति बनाने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जुलाई में ही प्रियंका गांधी ने गुजरात के नेताओं के साथ दिल्ली के मंथन की थी और खास रणनीति बनाई थी। अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी ने एक टास्क फोर्स गठन किया था जिसमें पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता शामिल हैं। इनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी वहां वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है, जिनकी अगुवाई में पार्टी के 5 साल पहले अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस गुजरात में 27 सालों से सत्ता में काबिज भाजपा के प्रति सत्ता विरोधी लहर को भुनाने के लिए लोकल लीडरशिप पर भरोसा जता रही है। पार्टी का मानना है कि मोदी के बाद गुजरात में भाजपा की लीडरशिप कमजोर हुई है और स्थानीय मुद्दों को केंद्र पर रखकर चुनाव लड़ा जाए। पार्टी की बड़ी रैलियों में भी भले ही बच रही है, लेकिन छोटे छोटे सभाओं के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश लगातार जारी है। कांग्रेस के इस गुपचुप दावे को लेकर पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं को सावधान कर चुके हैं। पीएम मोदी ने हाल के समय में गुजरात में अपनी रैली के दौरान मंच में इस बात का जिक्र किया। दूसरी बड़ी खबर, सड़क किनारे पैदल चलना भी किसी खतरे से कम नहीं है। ना जाने कब पीछे से आ रही गाड़ी आपको टक्कर मार दे और आप अपने घर जाने के बजाय अस्पताल पहुंच जाएं। ऐसे ही कुछ वाराणसी में मंडू आडिया थाना इलाके में लहर तारा इलाके में देखने को मिला। टक्कर लगने के राहगीर वहीं गिर पड़ा और बाइक सवार आगे दूर जाकर गिर गया। यह सारा वाकया वहीं लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि राहगीर सड़क पर पैदल चल रहा है, तभी पीछे से तेज रफ्तार से बाइक सवार ने राहगीर को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। वहीं बाइक सवार भी अपने जाकर बाइक समेत नीचे जा गिरा। हादसे में घायल राहगीर को गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल राहगीर को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं बाइक सवार को भी हादसे में चोट आई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। फिलहाल पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। उधर इस हादसे को सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ है। उधर देवरिया में मंगलवार को बाइक में ड्यूटी पर जा रहे दरोगा और हेड कांस्टेबल का तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दरोगा की मौत हो गई और हेड कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जानकारी के अनुसार बरहज थाना के गौड़ा बरहज पुलिस चौकी का प्रभार 47 वर्षीय रमा शंकर सिंह यादव के पास था। उन्हीं के थाने से अजय सिंह हेड कांस्टेबल के पद कार्यरत
है। मंगलवार की सुबह दरोगा और सिपाही अजय सिंह किसी मामले में जांच के लिए बाइक से माइल गांव जा रहे थे। दोनों तेरिया काला और नरसिंहांड गांव में पास पहुंचे ही थे तभी सामने से चली आ रही तेज रफ्तार से बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों बाइक से उछलकर दूर जाकर गिरे। उनकी बाइक सड़क से उतरकर खंती में जा गिरी। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे राग 24 न्यूज़।